स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल नवीन टेक स्टडी में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने मोबाइल से अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड कैसे जोड़े। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहां पर सर्च करना है लिंक आधार विथ पैन। और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए देखिए ये खुल गया। यहाँ पर आप लोग को देखिए लिंक दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा। देखिए नया पेज ओपन हो चुका है। सब तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे पेन नंबर डालना होगा, इसके बाद आधार नंबर और उसके बाद नेम डालना होगा जो आधार पे है। तो चलिए मैं अपना फिल कर लेता हूँ। फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार पे क्लिक कर टिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विद UIDAI पे आप लोग को टिक कर देना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल देना है। जैसे मैं कैप्चा कोड डाल रहा हूँ, कैप्चा कोड भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा लिंक आधार का ऑप्शन, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद देखिए सर्च ले रहा है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, योर पेन इज ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार नंबर। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पेन कार्ड में मेरा आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। अगर आप में नहीं जुड़ा हुआ होगा तो जुड़ जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका जुड़ा या नहीं, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हियर टू व्यू द स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट। इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए नया पेज ओपन होगा। देखिए नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग का आधार नंबर और पेन नंबर डालना है, इसके बाद चेक करना है। इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए सर्च ले रहा है। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए धीरे धीरे सर्च ले रहा है। देखिए ये अभी सर्च ही ले रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, योर पेन इज लिंक्ड टू आधार। तो मैं इसका मतलब हुआ कि जो मेरा पेन कार्ड है वो आधार से लिंक हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।